खुद राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हो सकता है संभावित मंत्रिमंडल का गठन। पायलट आज एक बार फिर हो सकती है बैठक, बैठक के बाद तय होगा मंत्रिमंडल। राजस्थान से बड़ी खबर है जहां पर आज हो सकता है मंत्रिमंडल का गठन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे चीफ एडिटर प्रवीण दत्ता जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, क्या खबर है आपके पास इस अपडेट, आज जो मंत्रिमंडल का गठन आज हो सकता है, राहुल गांधी के पास में पायलट और सचिन, अशोक गहलोत और सचिन पायलट गए थे, उन्होंने वहां पे काफी देर तक बैठकें भी चली हैं, तो किस किस नामों पर आज मोहर लग सकती है, वह कौन सा खेमा कितने प्रतिशत दावेदार ले सकता है? देखिए उमंग, कल तीन दौर की बैठक हुई राजस्थान के संभावित मंत्रिमंडल को लेकर जी, और उसके बाद अब फाइनल टच देने के लिए एक बैठक अभी और होने की संभावना है जी। लेकिन इस बैठक में सभी संबंधित शामिल होंगे इस बात पर शक है, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट को जो फीडबैक देना था, जो इनपुट देना था, वो दे चुके हैं। अब राहुल गांधी अविनाश पांडे के साथ बैठकर फाइनल नाम तय करेंगे। हमारे सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं उसके अनुसार मंत्रिमंडल की संख्या 15 से 18 हो सकती है। इस मंत्रिमंडल में क्षेत्र, जाति और धर्म का समीकरण पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। जो नए नाम सामने आ रहे हैं उसके अंदर पोकरण से जीते साले मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है जी। उन्होंने वहां पर एक महंत है जिनको हराया है, और सबसे खास बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की रैली हुई थी पोकरण में, उसके बावजूद कांग्रेस ने वहां जीत दर्ज की, इसलिए साले मोहम्मद की दावेदारी बहुत मजबूत मानी जा रही है। वरिष्ठ मंत्रियों की अगर बात की जाए तो शांति धारीवाल, राजेंद्र पारीक, प्रमोद जैन भाया, मास्टर भंवरलाल, इन लोगों के नाम प्रमुखता से आ रहे हैं जी। इस बार जयपुर की विशेष भूमिका रही है कांग्रेस की जीत में, और लगभग भाजपा विहीन किया है। कालीचरण सराफ और नरपत सिंह राजवी, सतीश पूनिया के अलावा कोई बड़ा नाम इनका जीता नहीं है जी। इसलिए जयपुर की दावेदारी होने वजह से प्रताप सिंह खाचरियावास और महेश जोशी के नाम प्रमुख तौर पर आ रहे हैं। एक विशेष बात यह हो रही है कि रफीक खान जो कि आदर्श नगर से जीते हैं जी, उन्हें न केवल अल्पसंख्यक कोटे की तरफ से नाम उनका आगे किया जा रहा है, बल्कि चूंकि वो 40 के उपाध्यक्ष हैं तो ये भी माना जा रहा है कि उनको बनाने से वैश्य वर्ग जो है वो भी खुश होगा जी। क्योंकि उनकी ज्यादातर जो मूवमेंट है, उठक बैठक है, वो सारी वैश्य वर्ग के साथ है, बिजनेस क्लास से आते हैं। तो रफीक खान एक सरप्राइज नाम हो सकते हैं, जो कि पढ़े लिखे हैं, व्यवसायी हैं और व्यवसायिक जगत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कुल मिला के 15 से 18 नाम, और उसमें 10 नाम अशोक गहलोत की तरफ से मुख्यमंत्री कोटे के होंगे, हालांकि ये पूरा उनका विशेषाधिकार होता है गठन, लेकिन राहुल गांधी बैलेंसिंग एक्ट का काम कर रहे हैं। और बचे हुए नामों में 6 नाम सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री के होंगे, और 2 नाम जो है वो समीकरणों के तहत केंद्रीय आला कमान की तरफ से हो सकते हैं जी। प्रवीण जी, कहीं से ये खबर भी आ रही है सूत्रों से कि सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों को मंत्री बनाने की पैरवी की है, और अशोक गहलोत की निगाह लोकसभा चुनाव की तरफ है, तो इस बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? उमंग देखिए, इसमें कुछ गलत नहीं है जी। सचिन पायलट प्रदेशाध्यक्ष रहे तो निश्चित तौर पे उनका, जिन लोगों ने लगातार 4.5-5 साल संगठन को मजबूत करने में साथ दिया, उन लोगों को यदि वो उपकृत करते हैं तो कोई गलत नहीं होगा जी। वो उनके विश्वास पात्र हैं, उन्होंने जाहिर बात है जो अपनी भागीदारी थी वो ज्यादा चाही थी, लेकिन आला कमान के अनुसार अशोक गहलोत ड्राइवर सीट में है, तो अशोक गहलोत को की बात को प्राथमिकता देना केंद्रीय आला कमान ज्यादा मजबूत दावेदारी के रूप में ले रहा है जी। लेकिन सचिन पायलट भी निराश नहीं होंगे, उनके समर्थकों को भी यथोचित जगह मिलने की पूरी संभावना है उमंग जी। प्रवीण जी, इसमें जो इस बार का जो मंत्रिमंडल गठन होगा, जैसे कि कई जो भाजपा से जो बागी होकर आए थे, जैसे मानवेंद्र सिंह एक बहुत बड़ा नाम था, हालांकि वो हार चुके हैं इस चुनाव में, लेकिन मंत्रिमंडल में ना सही, उनको पार्टी में कोई पद मिलने की संभावना है? देखिए मानवेंद्र सिंह तो तय है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे जी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने दावेदारी रखकर उन्होंने बेशक वो सीट हार दी हो, लेकिन पूरे प्रदेश में राजपूत वोटों का पोलराइजेशन बड़े पैमाने पर हुआ, और उसमें मानवेंद्र सिंह के स्वाभिमान
स्टैंड की जो थी बहुत बड़ी भूमिका थी, इसलिए मानवेंद्र सिंह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और उनका कद इतना छोटा नहीं है कि वो कोई बोर्ड के अध्यक्ष या इस तरीके से कुछ बनाए जाए। हाँ, पार्टी में कोई पद उन्हें मिल सकता है, पर मुझे लगता है कि वो लोकसभा के कैंडिडेट तय हैं पहले से कांग्रेस के। इसके अलावा जो और लोग हैं, महादेव सिंह खंडेला हैं, कांग्रेस के बागी हैं और गहलोत समर्थक माने जाते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस फॉर्मूले में बागी लोगों को मंत्री बनाया जाए। बागी लोगों को संसदीय सचिव या बोर्ड चेयरमैन के पद दिए जा सकते हैं। बाबूलाल नागर का भी नाम है उसमें, वो भी जीते हैं। संयम लोढ़ा है कांग्रेस के बागी होकर, वो भी जीते हैं। तो कुल मिला के बागियों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि कई काबिल लोग कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए हैं, जो लगातार कांग्रेस के साथ रहे हैं। जितेंद्र सिंह हैं, मतलब इतने वरिष्ठ कई लोग हैं जो कि मंत्री बनने लायक हैं, जिनको अनुभव है और जिनका नाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे किया भी है। उमंग जी, प्रवीण जी, अशोक परनामी को जिताया है, हराया है रफीक खान ने, तो उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? जी हाँ, जैसा मैंने कहा कि उनको, देखिए तीन पॉइंट्स बनते हैं। पहली बात, उन्होंने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हाई प्रोफाइल अशोक परनामी को पटकनी दी जी। दूसरी बात, वो जयपुर के अल्पसंख्यक कोटे से हुए, जयपुर से सिर्फ एक अल्पसंख्यक को टिकट दी जानी थी, लेकिन सचिन पायलट के टोंक से चुनाव लड़ने की वजह से अल्पसंख्यक का एक टिकट जो था वो जयपुर पर आकर पड़ा। तो एक पहले से किशनपुर से अमीन कागजी लड़ रहे थे और दूसरी दावेदारी रफीक खान ने की आदर्श नगर से। तो पहला पॉइंट हुआ, उन्होंने अशोक परनामी को पटकनी थी। दूसरा पॉइंट हुआ, वो अल्पसंख्यक कोटे से हैं। अल्पसंख्यक कोटे से तीन नाम प्रमुखता से पुरुषों में है। पहला नाम हो गया रफीक खान, दूसरा अमीन कागजी, तीसरा जाहिदा खान। जाहिदा खान को महिला और अल्पसंख्यक होने दोनों का फायदा मिल सकता है, और जाहिदा जो है वो अलवर मेवात क्षेत्र से आती हैं, तो वहां भी रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है, इसलिए उनको महिला होने का फायदा मिलेगा। अगर लड़ाई कहूं तो रफीक खान, अमीन कागजी और साले मोहम्मद की है। इसमें साले मोहम्मद के पास मैंने आपको एडवांटेज बताया कि उन्होंने एक तरीके से योगी आदित्यनाथ की रैली को फ्लॉप साबित किया है जी। तो उनके नंबर ज्यादा बनते हैं। अब लड़ाई आ जाती है अमीन कागजी और रफीक खान, दोनों व्यवसायी, दोनों अल्पसंख्यक, दोनों जयपुर राजधानी से, लेकिन रफीक खान एडवांटेज अशोक परनामी को हरा के आए और 40 के उपाध्यक्ष हैं, विश्व वर्ग के काफी नजदीक हैं। उमंग जी, प्रवीण जी, इस खबर पे जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।